गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको सीनियर क्लास की यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ा रहे थे आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद में आपको वाष्पोत्सर्जन में आपको रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में बता दिया गया। रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में आपको बता दिया गया था, उसमें आपको मांड शर्करा परिकल्पना के बारे में बता दिया गया था। अगली परिकल्पना है स्टीवर्ड की परिकल्पना, ठीक है, रंध्र गति की स्टीवर्ड की परिकल्पना। रंध्र गति की स्टीवर्ड की परिकल्पना, स्टीवर्ड की परिकल्पना के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो इस परिकल्पना के अनुसार द्वार कोशिकाओं की पीएच अधिक होने पर, द्वार कोशिकाओं की पीएच अधिक होने का मतलब जैसे साधारण जो पीएच होता है द्वार कोशिकाओं का, वो होता है कितना, 7। अब इन द्वार कोशिकाएं जो गार्ड कोशिकाएं जो होती हैं, ठीक है, इन गार्ड कोशिकाओं की पीएच मान जब अधिक हो जाता है तो मांड का ग्लूकोज 1 फास्फेट क्या होता है, जो मांड होता है वो ग्लूकोज वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट वह ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि इसके बाद जैसे जैसे देखो क्या होता है कि जैसे ही पीएच का मान बढ़ता है तो पीएच का मान बढ़ने से मान जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है, तथा ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो उन्हें ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसा होने से द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका रस पाया जाता है, कोशिका रस जो पाया जाता है उसके अंदर धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाती है, वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उससे जब देखो कि दिन के समय और रात्रि के समय अलग अलग जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, ठीक है, तो दिन के समय होने वाली जो जैव रासायनिक क्रिया जो होती है वो होते हैं स्टार्च और 1 फास्फेट जो होता है स्टार्च। दिन के समय होने वाली पादपों के अंदर जो होने वाली जो क्रियाएं हैं वो जैव रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है वो 1 फास्फेट, स्टार्च 1 फास्फेट जो होता है वो पीएच नंबर 7 पर, ठीक है, पीएच नंबर 7 पर क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च 1 फास्फेट जो होता है वो 7 पीएच पर ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यहां पीएच मान में वृद्धि हो रही है, पीएच मान में वृद्धि हो रही है तो स्टार्च अर्थात मंड जो होता है वो फास्फेट के साथ
साथ क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो उसके पश्चात क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो क्या है, जैसे ही पीएच का मान कम होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो तीन रिएक्शन, दो रिएक्शन हैं, ये पादप में दिन के समय संपन्न होती हैं। दिन के समय क्या होता है, स्टार्च 1 फास्फेट जो होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पीएच का मान बढ़ेगा, और पीएच का मान जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या है, उसका निर्मित होगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अंतिम जो इसके अंदर जो उत्पाद निर्मित होता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर अंतिम जो उत्पाद निर्मित होता है वो होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट। अंतिम जो उत्पाद होता है वो होता है ग्लूकोज 1 PO4 फास्फेट क्या होता है, प्राप्त होता है। अर्थात ये जो क्रिया है ये क्या है, दिन के समय संपन्न होती है। ठीक है, अब देखिए रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं के अंदर अलग क्रिया संपन्न होती है। तो रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं के अंदर संपन्न होने वाली क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो एटीपी के में, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो एटीपी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है प्लस एटीपी, ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है वो एटीपी के साथ क्रिया करके ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करता है, निर्माण करता है। ग्लूकोज 1 फास्फेट का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो पीएच मान है वो रात्रि के समय कम हो जाता है, पीएच मान है वो रात्रि के समय पादप का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और दिन के समय धीरे धीरे पीएच मान बढ़ता है। ठीक है, और पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो पीएच का मान बढ़ने से क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किंग स्टीवर्ड की रंध्र गति परिकल्पना। ठीक है, कि रंध्र किस प्रकार से गति करते हैं दिन एवं रात्रि के समय। ठीक है, तो ये स्टीवर्ड की परिकल्पना थी। स्टीवर्ड की परिकल्पना के अनुसार आप के पास दो प्रकार के जो रिएक्शन है वो प्राप्त हो रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर स्टार्च 1 फास्फेट है वो पीएच नंबर 7 पर ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में क्या हो गया, परिवर्तित हो। अंतिम जो परिमाण आपके पास प्राप्त हुआ है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी स्टीवर्ड की परिकल्पना आ गई। ठीक है, इसके बाद जैसे देखो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार धीरे धीरे चलती रहती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में वृद्धि करने वाले कारक भी होते हैं तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कौन से कारक वाष्पोत्सर्जन की गति को बढ़ाते हैं और कौन से कारक वाष्पोत्सर्जन की गति को कम करने का कार्य करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले का। देखो
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या है कि इसकी जो प्रक्रिया है उसको मुख्य रूप से दो भागों में क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। एक तो होता है बाह्य कारक और दूसरा होता है आंतरिक कारक। बाहर का जो वातावरण है, भौगोलिक जो वातावरण है, उसको बोला जाता है बाह्य कारक, ठीक है। जैसे बाह्य कारक के अंतर्गत आपको क्या आ गया, प्रकाश है, वायु है, तापमान है, आर्द्रता है, नमी है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंदर आपके पास पहला है बाह्य कारक, कि भौगोलिक कारक है, बाह्य कारक है, वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बाह्य कारक देखो, बाह्य कारक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता होना चाहिए कि बाह्य कारक होते क्या हैं, ठीक है। तो बाह्य कारक के रूप में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से होगा सीधे तौर पर, सीधा ही कोई कारक वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करे क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और किसी दूसरे के माध्यम से अगर मान लीजिए कि उसको प्रभावित करे तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कारक के रूप में सबसे पहले देखो, प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में प्रकाश रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रकाश जो होता है वो रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया को, ठीक है, रंध्रों का खुलना और बंद होना गार्ड कोशिकाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। अब बात तो प्रकाश क्या करता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रकाश क्या करता है, उसको नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में प्रकाश की तीव्रता तापक्रम में वृद्धि को प्रभावित करती है। अब देखो, प्रत्यक्ष रूप में तो सीधा हो गया कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को ताप है वो क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष के रूप में आप देखेंगे तो अप्रत्यक्ष के रूप में क्या करता है कि तापमान में जैसे जैसे धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो तापमान में वृद्धि को क्या करता है, वो नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। अब देखो, रंध्र खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, ठीक है। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो उसके बाद क्या है, रंध्र खुले रहेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, अधिक होगी, ठीक है, अधिक होगी तो उससे क्या है, प्रकाश की दर बढ़ेगी, प्रकाश की दर बढ़ेगी तो उससे क्या है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में तेज होगी, ठीक है। तो ये था प्रकाश। तो प्रकाश होता है वो किस प्रकार से करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है। किस रूप से करता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है, सीधे तौर पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करने का क्या करता है, ये कार्य करता है। इसके बाद देखो, वायु, वायु भी इसको किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। वायु वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वायु की गति अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। वायु की गति अधिक होगी, रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो क्या है, अधिक हो जाएगी। वाष्प रूप में लगातार वायु है वो ऊपर की तरफ उठती जाएगी। वायु की गति तेज होने पर यह गर्म के जो आसपास होता है उसके क्षेत्र के आसपास अधिक हो जाता है, जिससे अवशोषण की प्रक्रिया भी लगातार क्या है, बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद है, अब देखो, यह हो गया आप, वायु किस प्रकार से प्रभावित करती है,
ठीक है। अब देखो मृदा के द्वारा जल प्राप्त करने की क्षमता, ठीक है, मृदा के द्वारा जल धारण करने की क्षमता या प्राप्त करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता। अब जैसे मान लीजिए मृदा वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो जल के ऊपर निर्भर करती है, जिस प्रकार से पादप को जल मिलेगा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में उसी प्रकार से क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मिट्टी है, उस मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया निर्भर करेगी। अगर पादप पे के पास जल नहीं पहुंच रहा है, मिट्टी के अंदर कम जल अवशोषित करने की या धारण करने की क्षमता है, तो क्या है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी, और मिट्टी के अंदर अधिक जल धारण करने की क्षमता है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। मृदा में प्राप्त जल की मात्रा पर्याप्त होने पर वाष्पोत्सर्जन की मात्रा है वो क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब जैसे मृदा के द्वारा जल धारण करने की क्षमता है, उसके आधार पर उसकी क्षमता है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ जाती है। मृदा में प्राप्त जल की कमी होने पर जल अवशोषण की मात्रा बढ़ेगी, और जल अवशोषण की मात्रा कम होगी, जल अवशोषण की मात्रा कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर, तापमान है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है, तापमान है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखिए वायुमंडलीय तापकरण बढ़ने पर वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम हो जाती है, इससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता कम होगी, ठीक है। अब जैसे तापमान बढ़ेगा तो वायुमंडल के अंदर जो नमी है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगी, वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी, क्योंकि गर्म हवाएं होंगी, गर्म हवाएं होंगी तो तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो वायुमंडलीय तापमान आ गया, इसके बाद है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या है, तेज हो जाती है, बिल्कुल वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता है वो क्या है, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी, वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी क्या है, बढ़ जाएगी। भाई जैसे देखो नमी के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नमी के अंदर अधिक होगी तो वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी, वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या है, स्वतः ही बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है इंटरनल फैक्टर्स, कहना तो यह है कि आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, आंतरिक कारक, ठीक है। आंतरिक कारक देखो, आंतरिक कारक के कौन कौन से होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए पर्ण की संरचना, पत्ती की संरचना, पर्ण की संरचना है छोटी बड़ी मध्यम, संरचना के आधार पर ही क्या है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी। यदि पर्ण संरचना में रंध्र धसे हुए हैं, पर्ण संरचना में रंध्र धसे हुए हैं, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं,
ठीक है, अधिचर्म पर मोटी क्यूटिकल आदि है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अधिचर्म मोटी है, रंध्र धसे हुए हैं, क्यूटिकल का मोटा आकार है तो उससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आंतरिक कारक के अंदर पहला है, ठीक है। दूसरा है पर्ण का दिक विन्यास, पर्ण दिक विन्यास सूर्य से आपतित होने वाली विकिरणों के समकोण में होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अब पत्ती के अंदर है, जो उसका जो दिक विन्यास होता है, पत्ती की जो संरचना होती है, अगर उसके समकोण के अंदर, समकोण के अंदर अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो उससे क्या होगा, उससे पत्तियां हैं वो अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करेंगी, अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित करेंगी तो उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या है, क्षमता ही बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है जब पर्ण दिक विन्यास आपतित विकिरणों के समांतर होता है, अब समांतर होता है सूर्य के प्रकाश की किरणें समांतर हैं तो अब सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है, अब अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है तो उससे क्या होता है, उससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मूल परोह अनुपात, ठीक है, मूल परोह है अनुपात, ठीक है, मूल परोह अनुपात अधिक होने पर वाष्पोत्सर्जन है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे पादप है, पादप के अंदर मूल कितने हैं अर्थात जड़ हैं सहायक जड़ हैं, उनकी संख्या कितनी है, और परोह भाग के अंदर जो टहनियां हैं उनसे अलग अलग प्रकार की जो पत्तियां निकल रही हैं उनके अनुपात, अगर उनका अनुपात कम है, अगर उनकी संख्या कम है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, अगर उनका अनुपात ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो क्या है, ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो कि वायुमंडल के लिए हमारे लिए वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन से जैसे देखो कि लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभाव भी होते हैं, तो स्टीवर्ड के अनुसार जो रसारोहण की क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है। रसारोहण, रस का पादप के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर पादप के जो फलों वाला जो भाग होता है उसके अंदर संचित होना, क्या जो क्रिया होती है वो इसी के अनुसार क्या है, संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन से जल तथा खनिज लवणों का अधिक मात्रा में अवशोषण होता रहता है। अब देखो जैसे मान लीजिए कि पादप है वो क्या है, जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवणों का क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। खनिज लवण जितने भी प्रकार के हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, यूरिया है, यौगिक के रूप में जितने भी प्रकार के हैं जल का अवशोषण करता है, ठीक है। अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ये वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं होगा तो ये क्रिया स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी तो खनिज लवणों को और जल को अवशोषित करने की क्षमता भी क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है।
इसके अंदर है, जब धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है अनावश्यक जल को बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जितने अधिक मात्रा के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार के पादप होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं, जलमग्न होते हैं, ठीक है, जलमग्न पादप होते हैं, वो जितना भी जल अवशोषित करते हैं पूर्ण रूप से उसका प्रयोग नहीं करते, ठीक है, अब पूर्ण रूप से उसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में कुछ जल की क्या कर देते हैं, हानि कर देते हैं, अब कुछ जल की हानि कर देते हैं तो अनावश्यक जो जल पादप के अंदर एकत्रित हो रहा है उस जल को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका जो लास्ट लेसन है वो है बिंदु स्राव, ठीक है, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का बिंदु स्राव, ठीक है। बिंदु स्राव होता है पादप पे, जैसे पत्तियां हैं या कि कोई भी कटा हुआ जो भाग है उससे किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना, पत्ती के किनारों से, जैसे मान लीजिए कि ये पत्ती है, इस पत्ती के ये जो किनारे हैं इन किनारों में से जो रंध्र पाए जाते हैं इन रंध्रों पर जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना दर्शाता है एक बिंदु स्राव, क्या दर्शाता है, बिंदु स्राव दर्शाता है, ये हो गया इसके अंदर मन, ये इसको बोला जाएगा बिंदु स्राव, क्या बोला जाएगा इसको, बिंदु स्राव बोला जाएगा, ठीक है। यह क्रिया मूल दाब पर आधारित होती है, जड़ के अंदर जो दाब लगता है उस दाब के ऊपर क्या होती है, ये निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये बिंदु स्राव, ये जो लेसन है आपका वाष्पोत्सर्जन है वो कंप्लीट हो गया है, आगे वाला लेसन आपको आगे वाली कक्षा के अंदर है, आगे वाली जो क्लास है उसके अंदर बताएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है।